हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अजय भास्कर आप सभी का द लर्निंग आईक्यू पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है। छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए सवाल नंबर 8 से सवाल नंबर 20 को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट को पिछला वीडियो चाहिए तो वो हमारे आई बटन पर जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया तथा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 को डिस्कस किया था। और इसी वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, तो आप हमारे आई बटन पर जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, वो इस प्रकार से है कि एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 29th टर्म। मतलब 29th टर्म क्या होगा। इस सवाल में कहा गया कि एक कोई एपी का सीरीज दिया गया है जिसमें टोटल 50 टर्म है और इसका थर्ड टर्म का जो वैल्यू है वो है 12 एंड लास्ट टर्म यानी कि 50, क्योंकि कहा ही गया है कि इस सीरीज में टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म जो है 106 है। मतलब 50 टर्म जो है वो 106 है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है 29 टर्म्स। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 है, इसमें गिवेन है टोटल टर्म 50 है और इसमें जो टोटल टर्म 50 है उसमें हमारा A3 दिया गया है 12 एंड A50 दिया गया है 106, और हम लोग को कैलकुलेट करना, फाइंड करना है कि 29th टर्म। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस सवाल में A3 इक्वल टू 12 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब A3 को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम N के जगह पे 3 लिखेंगे तो A3 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस N माइनस, ये N के जगह पे हम लोग 3 लिख लेंगे, 3 माइनस 1 इंटू D। तो मतलब A3 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं, और इसी का वैल्यू गिवेन है 12। ठीक है, अब जब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो A1 प्लस 3 माइनस 1 2D इक्वल टू 12। यहाँ से हम लोग A1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, A1 इधर LHS की तरफ छोड़ देते हैं तथा इस 2D को हम लोग RHS की तरफ ले जाते हैं, तो RHS में जैसे ही वो 2D आएगा तो यहाँ प्लस से ये माइनस में हो जाएगा और ये 2D, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग A50 इक्वल टू 106 को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में। ठीक है, तो A50 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग A50 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सोचिए। तो A50 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे A1 प्लस N माइनस 1 होता है, N के जगह पे 50 है तो ये 50 माइनस 1 इंटू D। अब A50 के जगह पर हम ये लिखेंगे A1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू D, और इसका जो वैल्यू गिवेन है वो है 106। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो A1 प्लस 50 माइनस 1 49D इक्वल टू 106 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर A1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, A1 का वैल्यू 12 माइनस 2D है इक्वेशन 1 में, तो इसी 12 माइनस 2D को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो यहाँ A1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 2D प्लस 49D, और इधर इक्वल टू में RHS में 106 है, यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन
वन। क्लियर है सबको? अब यहां देखिए, ये माइनस टू डी है, ये 49D है। तो 49D में से जब मैं 2D को निकाल दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 47D। तो यहां पे मैं लिखूंगा 12 प्लस 47D इक्वल टू 106। मैं यहां इसे सॉल्व करता हूं। अब देखिए, ये 12 प्लस 47D इक्वल टू 106 है, तो 47D को मैं LHS की तरफ ही रहने देता हूँ, तथा 12 को मैं RHS की तरफ ले जाऊँगा। और जब 12 को RHS की तरफ ले जाऊँगा तो ये 106 से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, 47D इक्वल टू 106 माइनस 12, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 47D इक्वल टू 106 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, 94 आया। अब यहाँ पर हम D का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 94/47। अब 47 को हम जब 2 टाइम्स करेंगे, मतलब 7 × 14, 4 × 8 और कैरी 1, मतलब 94। तो 47 से 94 2 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे D इक्वल टू हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने D कैलकुलेट कर लिया। अब जब D कैलकुलेट कर लिया तो हमें A1 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से मैं यहाँ लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वन क्या है हमारा, A1 इक्वल टू 12 माइनस 2D है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, और इस इक्वेशन नंबर 2 से मैं 2D को यहाँ पुट कर सकता हूँ, D के वैल्यू को पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 2 × 2, ये D के जगह पे 2 क्यों आया समझ रहे, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमने कैलकुलेट कर रखा है कि D का वैल्यू 2 है, तो हमने D का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो A1 इक्वल टू हमारा आएगा 12 माइनस 4, और जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा A1 आएगा 8। A1 कितना आया सर, तो A1 8 आया, और D यानी कि कॉमन डिफरेंस है, D कितना आया, तो सर D हमारा 2 आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A29 फाइंड करना था। तो A29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A29 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 29 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। और A1 हमने कैलकुलेट किया 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू D हमारा क्या है, तो 2 है। अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 8 प्लस 28 2 जा होता है 56, और 56 और 8 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 64। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो AP सीरीज हमें दिया गया था, जिसका तीसरा पद 12 था और 50वां पद 106 है, उसका 29th टर्म जो होगा वो 64 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, देयरफोर A29 ऑफ दिस सीरीज इज 64। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मतलब इस सवाल में कहा गया कि हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, जिसका थर्ड टर्म, तीसरा टर्म है वो 4 है और नवा टर्म है वो माइनस 8 है। तो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा टर्म होगा वो 0 होगा। ध्यान से समझिएगा, कौन सा टर्म होगा वो 0 होगा, ये हमको निकालना है। मतलब 0 दिया हुआ है, लेकिन बोला गया कि ये 0 किस टर्म पर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले सवाल में आप लोग एग्जाम में हमेशा गिवेन लिखा कीजिएगा। गिवेन लिखने के बाद आप लोग उसका सॉल्यूशन लिखिएगा, तब सॉल्व कीजिएगा।
एग्जाम में सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवेन डैट। ठीक है, गिवेन डैट मतलब एपी सीरीज क्या दिया हुआ हमारा, एपी का थर्ड टर्म जो दिया गया हुआ है, थर्ड टर्म यानी का ए थ्री जो दिया गया है वो है हमारा 4 एंड A9 जो दिया गया है नवा पद वो दिया गया है -8। तो बोला गया है कि कौन सा टर्म मतलब एनवा पद है सो 0 है, तो फाइंड करना है हमें n इक्वल टू वाट, ये फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये 0 है तो हमें n इक्वल टू वाट ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझ गए, अब चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बोला हूँ सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो इस प्रकार से है, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तक मैं इसी फॉर्मूला को यूज करते आ रहा हूँ, तो मैं पहले भी बोला था कि ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अपने जहन में बैठा लीजिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग ए थ्री को क्या लिख सकते हैं, तो सर ए थ्री को लिख सकते हैं ए वन प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए थ्री के जगह पे हम लोग ये लिख देते हैं ए वन प्लस 3 माइनस डी, इसे 2d लिख देता हूँ मैं 2d, और इक्वल टू में क्या गिवेन है 4 गिवेन है। यहाँ से हम लोग ए वन को कैलकुलेट कर लेंगे और ए वन आ जाएगा 4 माइनस 2d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग ए नाइन को इस फॉर्मूला की मदद से विस्तृत फॉर्म में लिखेंगे और ए नाइन को हम लोग लिख सकते हैं ए वन प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो ए नाइन के जगह पर हम लोग ये लिखते हैं ए वन प्लस नाइन माइनस वन यानी कि 8d, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है -8। यहाँ पर हम लोग ए वन का वैल्यू 4 माइनस 2d हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम लोग ए वन का वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 2d इक्वेशन नंबर 1 से, तो ए वन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 2d प्लस 8d इक्वल टू -8, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसे हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8d से, 8d पॉजिटिव में है इसीलिए होगा हमारे पास 4 प्लस 6d इक्वल टू में -8। ठीक है, अब 6d को मैं LHS की तरफ रहने देता हूँ, 4 को मैं RHS की तरफ ले जाऊँगा, तो ये -4 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा 12 माइनस का ही, और 8 4 12, मतलब जी हमारा जो डी का वैल्यू आएगा वो आएगा -12/6 इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मतलब डी का वैल्यू आया हमारे पास -2, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डी कितना आया, तो डी आया सर -2, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हम लोग ए का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास एनवा पद 0 दिया गया है, एन निकालना है, तो हमारे पास ए वन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन अगर कैलकुलेट करना है, ये ए एन दिया हुआ है, डी हमने कैलकुलेट कर लिया, ए वन का वैल्यू निकालना मस्ट है, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ए वन इक्वल टू 4 माइनस 2d है, तो यहाँ पर हम लोग डी का वैल्यू पुट करेंगे जो कि 4 माइनस डी का वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ 2 ब्रैकेट में -2, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 × 4, मतलब ए वन का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ए वन भी कैलकुलेट कर लिया, डी भी कैलकुलेट कर लिया, ए एन गिवेन है, एन निकालना है, तो हम लोग फिर यही लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
और an यहाँ पे गिवेन है जो कि जीरो के बराबर है, ठीक है, जीरो के बराबर है। और a1 हमने कैलकुलेट किया 8 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 और d हमने कैलकुलेट किया है -2, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0 इक्वल टू 8 प्लस -2 को हम लोग एक बार n से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और ये 2 इंटू n हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब -2n और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। इसे समझिए, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया n से, क्योंकि 2 माइनस में है इसीलिए यहाँ आएगा -2n और -2 इंटू -1 होगा +2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आप लोग ये और का साइन देते चलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में देना ज़रूरी है, अगर ये नहीं देते हैं तो आपका एक नंबर कट सकता है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 प्लस ये 2n-2, मतलब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2n और प्लस 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 2। तो यहाँ 0 इक्वल टू क्या होगा, 8 2 10 माइनस 2n, 2n को मैं LHS की तरफ ले जाता हूँ तो ये 0 प्लस 2n 2n ही होगा और ये 10, और यहाँ पर n इक्वल टू आ जाएगा 10/2, और ये 2 से जब 10 कटेगा तो हमारा मतलब 5 टाइम्स में 10 कट जाएगा, तो हमारा ये आंसर आएगा कि जो टर्म है वो फिफ्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि इफ 17th टर्म, मतलब कि 17वां टर्म जो है ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब बोला गया कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में 17वां पद है वो 10वां पद से 7 ज़्यादा है, ठीक है। 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 ज़्यादा है, तो इसमें हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। एक्सरसाइज 5.2 का हर एक सवाल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस उसे अलग अलग तरीका से यूज किया गया है। और एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं कि आप लोग दबा कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके 10th बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे बेस्ट सवाल आते हैं, इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है जिसमें 17th टर्म, मतलब ए 17th है सो 7 ज़्यादा है, ये आप लिख सकते हैं, गिवन डैट ए 17th है सो 10 टर्म से, मतलब ए 10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ये सवाल में दिया गया। तो बोला गया फाइंड कॉमन डिफरेंस, और डिफरेंस को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डी से, ये हमारा गिवन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए, सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो डैट ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ए 17 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए 17 इक्वल टू ए वन प्लस 17-1 इंटू डी। ए इसको आगे लिखते हैं कैलकुलेट करके, तो ए 17 इक्वल टू ए वन प्लस 16 डी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मानिए और इसे मानिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे हम लोग ए 10 का वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो ए 10 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए 10 इक्वल टू ए 1
प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ ब्रैकेट में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। अब ए 10 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे इसे सॉल्व करके, तो ए 1 प्लस 9 डी, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए 17 एंड ए 10, ए 10 इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि यहाँ पे देखिए ए 17 का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किए और यहाँ पे ए 10 का वैल्यू कैलकुलेट किए, तो ये दोनों ए 17 और ए 10 का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तब क्या होता है, ये देखिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जो हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 है वो है ए 17 माइनस ए 10 इक्वल टू 7, और ए 17 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 17 की जगह हम लोग लिखेंगे ए 1 प्लस 16 डी, और ये माइनस ए 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ए 1 प्लस 9 डी, और टोटल इक्वल टू होगा 7 का। अब हम लोग इस सवाल को इधर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ए 1 प्लस 16 डी, अब यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस और ये ए वन के पास प्लस है, तो ये प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ए वन, उसी प्रकार ये माइनस प्लस माइनस ही होगा, और ये 9d, ठीक है। ये ब्रैकेट था इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, और इक्वल टू में दिया हुआ है 7। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए ए वन यहाँ प्लस में है और एक ही ए वन है, और यहाँ भी एक ही ए वन है, मतलब यहाँ पे ए वन प्लस में है और यहाँ ए वन माइनस में है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग लिखेंगे 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, और जब हम लोग 16d से 9d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7d आएगा, तो 7d इक्वल टू 7, यानी कि डी का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक जी? अब क्लियर है तो हमें यही फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हिंस कॉमन डिफरेंसेज ऑफ दिस एपी इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार है, इसमें बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 26, 39 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म्स। मतलब बोला गया कि एक एपी का सीरीज है जिसमें सीरीज इस प्रकार से है 3, 15, 27, 39 .. आगे तक गया है, तो इसमें बोला गया कि कौन सा पद है सो 54वां पद से, मतलब 54th पद से 132 ज़्यादा है, समझ रहे हैं। बोला गया कि कौन सा पद इस सीरीज के 54वां पद से 132 ज़्यादा है। चलिए इस सवाल को करते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे गिवेन है एपी 3, 15, 27, 39 39 .. तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा टर्म है सो 54वां टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि ए वन जो दिया गया है वो है 3, और यहीं पे अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का बात करें तो ये हम लोग निकालेंगे ए टू माइनस ए वन जो कि 15 माइनस 3 होगा, और ये इक्वल टू होगा 15 में से 3 गया 12, मतलब डी है सो इस एपी का डी है वो 12 है,
ठीक है। तो सवाल में सबसे पहले 54th टर्म हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जब 54th टर्म निकाल लेंगे तो उसके वैल्यू में 132 ऐड करेंगे, वो ए एन का वैल्यू होगा, और ए एन इक्वल टू हमें जब पता चल जाएगा तो ए एन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझे आप लोग मैं क्या बोला? देखिए यहाँ पर हमने ए वन और डी तो फाइंड कर लिया, बोला गया कि 54th टर्म से, ये 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 54th टर्म को कैलकुलेट करेंगे, 54th टर्म को कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग 132 ऐड करेंगे, और ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो ए एन के इक्वल होगा। तो ए एन जब पता चल गया तो एन तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी नो डैट, ये फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, वी नो डैट यानी कि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन यहाँ पे क्या है 54, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए 54th इक्वल टू ए वन हमने कैलकुलेट किया है जो कि 3 है प्लस 54 माइनस वन 53 और d का वैल्यू है 12। ठीक है, तो यहाँ a 54th इक्वल टू हम लोग 3 प्लस 53 इंटू 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 53 इंटू 12, 3 टू जा 6, 5 टू जा 10 इन मल्टीप्लाई, 3 वन जा 3, 5 वन जा 5, मतलब ये आएगा 6, 6 3 6। एक बार चेक कर लो, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 और 3, हाँ ठीक है, ये आएगा 6 3 6, और इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 3 9, यानी कि ए 54 जो है वो है हमारा 6 3 9। तो यहाँ पे हम लोग 54वां पद ज्ञात कर लिए। अब 54वां पद जब ज्ञात कर लिए तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि ए एनवां पद जो होगा वो 6 3 9 प्लस 132 होगा। ठीक है, अब जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ए एन इक्वल टू आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 2 11, 3 3 6 और 7, 6 और 1 7, मतलब ए एन जो है हमारा 771 आया। ए एन कितना आया, 771। तो ये ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमारा यहाँ पे कितना गिवेन है, 771, ये अभी हमने कैलकुलेट किया 771, और ए वन हमने कैलकुलेट किया था 3 प्लस एन मिसिंग है, एन तो फाइंड करना है, और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि 12। ठीक है, अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 771 इक्वल टू 3, ये 12 इंटू एन, 12 एन और 12 वन जा 12, इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये 3 है प्लस में और ये माइनस 12 है, तो 12 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 9, मतलब 771 प्लस प्लस नहीं, ये इक्वल टू 12 एन यहाँ पे माइनस 9, और इस माइनस 9 को हम लोग LHS की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 771 प्लस 9 इक्वल टू 12 एन। अब जब हम लोग n सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 771 प्लस 9, 780 और बटा में 12, समझ रहे हैं, ये दोनों को ऐड किया और 12 को मैं नीचे ले आया। ठीक है, अब 12 से जब मैं इसको काटूंगा तो 12 से 6 जा होता है 72 और 12 5 जा होता है 60, मतलब कि n इक्वल टू 65 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हिंस ए 65 इज मोर देन, या ए 65 इज 132 मोर देन, 132 मोर देन ए 54th टर्म। ये हुआ आपका सवाल नंबर 11 का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ।
फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है समझने में तो वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारा चीज का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इजीली जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं विभिन्न माध्यम से। हम लोग सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 कि टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। बोला गया कि यहाँ पे टोटल अब हम लोग को दो एपी सीरीज का बात करना है और दोनों एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंसेज है सो वो सेम है, कॉमन डिफरेंसेज सेम है। और बोला गया कि जो 100वां टर्म है ये दोनों एपी का, वो दोनों एपी के 100वां टर्म का डिफरेंसेज 100 है, तो हमें फाइंड करना है कि आपका 1000 टर्म क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 12 नंबर सॉल्व करते हैं। ट्वेल्व नंबर में बोला गया कि हमारे पास दो एपी है, यहाँ पे आप एपी वन ले लीजिए, गिवेन डैट पहले लिखिए, ट्वेल्व नंबर का गिवेन डैट लिखिए। गिवेन क्या है, यहाँ पे दो एपी है, एपी वन एंड एपी टू। तो यहाँ पे एपी वन का जो फर्स्ट टर्म है, हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट टर्म विल बी ए वन एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी टू विल बी ए टू। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंसेज दोनों का है सो सेम है, ये दोनों का कॉमन डिफरेंसेज सेम है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेज डी ही रहेगा। ठीक है, अब क्या बोला गया कि एपी वन का मतलब एपी वन का जो 100वां टर्म है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 100 टर्म ऑफ एपी वन माइनस 100 टर्म ऑफ एपी टू इक्वल टू 100 दिया हुआ है, ये भी गिवेन है। ठीक है, ये आप गिवेन में भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एपी वन का फर्स्ट टर्म ए वन था, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए 100 ऑफ एपी वन माइनस ए 100 ऑफ एपी टू इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ठीक है, इसे मैं फॉर्मूला में लिखता हूँ तो ए 100 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस एन माइनस वन, मतलब 100, एन के जगह पे 100 है तो 100 माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ ए टू, क्योंकि सेकेंड टर्म ए पी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए टू है, इसीलिए मैं ए टू लिखा, ए टू प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 100 है तो 100 माइनस वन इंटू डी, डी दोनों का सेम है इसीलिए डी ही रहेगा दोनों में और ये 100। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये लिखूँगा ए वन 100 माइनस वन 99 डी माइनस ए टू प्लस 99 डी इक्वल टू 100। क्लियर है, अब देखिए ये माइनस है, यहाँ ब्रैकेट है तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए वन प्लस 99 डी, इसे सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस माइनस ए टू और ये माइनस 99 डी इक्वल टू 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए वन प्लस 99 है, प्लस 99 माइनस 99 ये दोनों कट गए तो ये आएगा ए वन माइनस ए टू इक्वल टू 100। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसे इक्वेशन नंबर वन लिखिए। अब जो हम लोग को फाइंड करना है वो सोचिए, हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है क्या, ए 1000 ऑफ ए पी वन माइनस ए
थाउजेंड ऑफ ए पी टू क्या होगा ये फाइंड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं ए थाउजेंट ऑफ ए पी वन का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसी फॉर्मूला पर बिठाएंगे ए वन इक्वल टू ए, उसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए थाउजेंट को मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस थाउजेंड माइनस वन इंटू डी। आगे मैं इसको इसी प्रकार लिखूंगा, ये थाउजेंट है, ये ए पी टू का है, तो इसका फर्स्ट टर्म तो ए टू है, तो ए टू प्लस वन थाउजेंड माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? अब यहाँ पर सॉल्व करते तो ए वन प्लस ये आएगा नाइन 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 डी माइनस ए टू प्लस नाइन 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 डी। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये मैं लिखूँगा ए वन प्लस नाइन 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 डी और माइनस प्लस माइनस ए टू माइनस प्लस माइनस नाइन 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 डी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए प्लस नाइन नाइन डी और माइनस नाइन नाइन डी ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या आया ए वन माइनस ए टू, और ए वन माइनस ए टू का जो वैल्यू है वो हमने 100 कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ए वन माइनस ए टू इक्वल टू 100, यानी कि इसका थाउजेंडवां टर्म मतलब दोनों एपी का हजारवां टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। ये था आपका सवाल नंबर 12 का सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ऐसे सारे चीज़ का पीडीएफ आपको मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होइए या टेलीग्राम से, आपको सारे चीज़ का पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 है हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा क्वेश्चन है ये बोला गया कि थ्री डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। थ्री डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ये सवाल देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले आप तो थ्री डिजिट पता करना होगा, थ्री डिजिट कितने से कितने तक होते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि ये थर्ड डिजिट क्या होता है, थ्री डिजिट के नंबर क्या होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं। तो थ्री डिजिट का नंबर देखिए 99 टू डिजिट है, 99 टू डिजिट है, 99 के आगे हम लोग चलते हैं तो 100 आता है। तो ये 100 नंबर है जिसमें 1 2 3 टोटल थ्री डिजिट है। तो वैसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो देखिए 1000 को अगर देखते हैं तो देखिए इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो ये तो 4 डिजिट हो गया। इसके जस्ट पीछे जाइए 999, ये देखिए 3 डिजिट, यानी कि जो 3 डिजिट के नंबर हैं वो 100 से 999 तक वेरी करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 से 999 तक टोटल 3 डिजिट होते हैं, और हमें इसी यहाँ से यहाँ तक इन्हीं नंबर के बीच में ज्ञात करना है कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एपी का फर्स्ट टर्म को ज्ञात करते हैं, मतलब पहला नंबर कौन सा होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए वन क्या होगा। तो 7 से डिवाइड करने के लिए हम लोग देखेंगे पहले 7 को डिवाइड करेंगे 100 से और देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है। तो 7 से 1 टाइम्स में जाएगा ये, और ये 3 0, 4 टाइम्स में गया 28, मतलब यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो अब अगर 7 और 2 का डिफरेंस देखिए तो 5 आएगा, मतलब यहाँ पे अगर 5 ऐड कर दिया जाए 105, तो ये दो डिफरेंसेस नहीं आएगा और 7 से पूरी तरह कट जाएगा 105। तो यहाँ पे 105 है, सो इस एपी का फर्स्ट टर्म होगा, मतलब कि 100 और 999 में पहला जो नंबर है वो 105 है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। उसी प्रकार अब देखिए 7 अगर सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म तो चूंकि हमें 7 से
डिवाइड करना था, इसीलिए इसमें हम लोग अब 7 ऐड करते जाएंगे। तो प्लस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 112, ठीक है। तो A1 A2 मिल गया, इसी तरह अगर 7 से ऐड करेंगे तो हमारा A3 भी मिल जाएगा। मतलब जो कॉमन डिफरेंसेस होगा यहाँ, कॉमन डिफरेंसेस यानी कि D, वो होगा A2 माइनस A1, और A2 हमारा 112 है माइनस 105 इक्वल टू 7। मतलब D हमारा इस सवाल का 7 होगा, ठीक है। अब हमें इस सीरीज का लास्ट नंबर ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा पूरी तरह। तो 7 से पूरी तरह डिवाइड करने के लिए हम लोग 7 से 999 को डिवाइड करते हैं। देखिए 999 के आगे तो हमको नहीं जाना है, हमेशा पीछे ही रहना है, क्योंकि आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, पीछे रहेंगे तभी 3 डिजिट होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 999 को। 7 से 1 टाइम्स में गया, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आता है, ये 9, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आया और ये 9 आया। अब देखिए 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट किया तो 5। अब ये अगर 5 नहीं रहता तो ये पूरी तरह से कट जाता, मतलब कि 999 में से अगर हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 999 में से अगर हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा, 994 बचेगा। तो ये 994 है, सो डिवाइड हो सकता है 7 से। मतलब लास्ट डिजिट हमारा जो होगा, एनवा जो डिजिट एन जो होगा वो होगा 994, ठीक है। एनवा पद जो होगा वो 994 होगा एन, और ये 994 7 से डिवाइड हो सकता है। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखेगा, पहले फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के बाद कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद लिखिए कि व्हेन वी डिवाइड 999 बाय 7 देन वी हैव रिमाइंडर 5, वी हैव रिमाइंडर 5, और वी सब्ट्रैक्ट द 5 फ्रॉम 995 देन वी गेट 994, ठीक है। एंड 994 इज द लास्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज विच इज डिवाइडेड बाई, विच इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो अब हम लोग A1, D और AN प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये 994 है, सो कौन सा पद होगा इस AP का, कौन सा टर्म होगा। हमें तो कैलकुलेट यही करना है कि टोटल कितने टर्म होंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल कितने टर्म होंगे जो कि 7 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब AN की जगह पे हमारा 994 हमने कैलकुलेट किया, A1 हमें पता है कि हमारा 105 है, प्लस में N नहीं पता, N तो कैलकुलेट करना है, N माइनस 1, D हमें पता है कि D हमारा इस AP का 7 है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो 994 इक्वल टू 105 प्लस N माइनस 1, N माइनस 1 मतलब 7 इंटू N, 7N माइनस 7, इसे तो सॉल्व करने अब आप लोगों को आ ही गया होगा। अब देखिए ये 105 में से जब मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आएगा 994 इक्वल टू 98 प्लस 7N, 98 को मैं LHS की तरफ लेके आऊँगा, 994 माइनस 98 इक्वल टू 7N, और 7N इक्वल टू क्या होगा, 14 में से 8 गया 6, और इधर 18 में से 9 गया 9, और इधर बचेगा 8, ठीक है। अब देखते हैं N 896 को 7 से डिवाइड करके, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये 9 में से 4 गया तो 5, मतलब 7 8 जा 56। तो बोला गया कि टोटल जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं वो 128 हैं 3 डिजिट के, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर हम लोग सॉल्व कर लिए, ये आंसर है कि इस AP का मतलब 3 डिजिट के टोटल नंबर हैं वो 128 हैं। टोटल कितने हैं, 128 हैं जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोला गया है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 एंड 250। सेम इसी पे आधारित क्वेश्चन है, मैं इसके बेसिक फंडा को समझा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
इसके बेसिक चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ जैसे ही आप लोग समझिएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, बोला गया कि कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं जो कि 10 और 250 के बीच में है। किसके किसके बीच में, तो 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड हो, 4 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल आप लोग समझते हैं, जब भी कोई बोलेगा मल्टीपल तो 4 का, अगर 4 का मल्टीपल बोलेगा तो आप 4 का टेबल पढ़ दीजिए, मतलब वैसा नंबर जो कि 4 से डिवाइड हो सके। तो पहले आ जाएगा 8, फिर 12, 16, 20, ये सारे 4 के मल्टीपल हैं और ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे यही ज्ञात करना है 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं यानी कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सेम लास्ट सवाल पे आधारित है ये। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो कि A1 होगा, फिर सेकेंड टर्म कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड टर्म जो कि A2 होगा, उसके बाद हम लोग D कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद AN कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले देखिए 10, अब मल्टीपल में देखिए 4 का मल्टीपल 10 हो सकता है क्या, नहीं। 11 हो सकता है क्या, तो नहीं। देखिए 11 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है क्या, तो हाँ सर 12 हो सकता है क्योंकि 4 से 3 टाइम्स में 12 आता है। तो यहाँ पे A1 हो गया 12, ये दोनों नहीं हो सकता। वैसे ही अब आगे बढ़े तो अब 4 का हमें 4 का मल्टीपल ढूंढना है, इसीलिए 4 ऐड कर देंगे, तो 12 प्लस 4 16, ठीक है। तो D यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, ठीक है। अब AN कैलकुलेट करना, तो ये 250, आप यहाँ पे या तो 250 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 4 से जब मैं 250 को डिवाइड करता हूँ तो 4 सिक्स जाएगा, 4 सिक्स जा 24, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने पर 5 में से 4 गया 1 और ये 0। अब 4 टू जा 8, तो माइनस 2, तो क्या ये 2 एक्स्ट्रा है ना, तो आप इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, मतलब 248, ये होगा AN हो गया 248। तो यहाँ पे अब आपको कैलकुलेट करना N इक्वल टू व्हाट। मैंने लास्ट सवाल में ये आपको बताया कि N कैसे कैलकुलेट करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आता भी होगा, अब तक आप सीख गए होंगे कि N कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये 14 नंबर सवाल मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसका PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर 14 नंबर का सवाल, हमें 14 नंबर का आंसर ये है, और सर जिनसे नहीं बनता वो भी हमें ये कमेंट करें कि सर 14 नंबर सवाल नहीं बना, तो मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वां नंबर की ओर। 15 नंबर का सवाल हमारा, देखिए 15 नंबर क्या बोलता है, बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2AP, फर्स्ट AP, यहाँ पे 2AP का बात किया गया, 2AP में बोला गया कि कौन nवां पद, मतलब कौन सा पद है जो कि इक्वल होगा ये दोनों AP का। यहाँ पे टोटल कितने AP है, 2AP हैं, 2AP हैं, और दोनों AP में बोला गया कि दोनों AP का कौन सा पद है जो कि इक्वल होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट AP जो दिया गया है, ये कितने नंबर सवाल है, 15, जो फर्स्ट AP दिया गया AP1, वो उसका फर्स्ट टर्म है आपका 63, सेकेंड टर्म है 65 एंड थर्ड टर्म है 67, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही AP2 है, मतलब जो दूसरा AP है वो है 3, फर्स्ट टर्म हुआ 10, आगे इसका थर्ड टर्म होगा 17। तो बोला गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n इक्वल टू क्या होगा जहां पर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, मतलब nवां पद कौन सा होगा जिस पर ये दोनों AP का जो नंबर आएगा वो इक्वल होंगे। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम AP1, AP1 में हमारा A1 पद है, मतलब फर्स्ट टर्म है वो 63 है, एंड कॉमन डिफरेंसेज है वो है A2 माइनस A1, मतलब 65 माइनस 63 जो कि 2 है, ठीक है। D यहाँ पे 2 है, तो ये फ्रॉम AP1, मतलब AP1 का हम लोग nवां पद निकाल लेते हैं,
ए एन इक्वल टू क्या होता, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा वी नो डैट, तब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू यहाँ पे ए वन कितना है 63 है, प्लस में एन कितना, एन हमें नहीं पता, तो एन माइनस वन इंटू डी कितना है हमारा, डी टू है। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ए एन इक्वल टू 63 टू प्लस टू एन माइनस टू, मतलब ए एन इक्वल टू आएगा 2n प्लस 63 में से 2 गया 61, ये इक्वेशन नंबर 1 आया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही आप लोग फ्रॉम AP2 का अब आप लोग यहाँ पर A1 निकालिए, तो A1 AP2 का कितना है 3 है, एंड A2 कितना है तो सर 10 है, तो यहाँ पर D निकालेंगे तो 10 माइनस 3 कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। हाँ 10 माइनस 3 7 आया, तो ए एन निकालेंगे, ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन इक्वल टू ए वन कितना है, तो ए वन 3 है प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है सर 7 है, तो यहाँ ए एन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 7 एन माइनस 7, मतलब ए एन इक्वल टू हो जाएगा 7 एन 7 में से 3 गया माइनस 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक समझे? तो जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखिए पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो देखते हैं कि ये इक्वेशन 1 का LHS और इक्वेशन 2 का LHS दोनों इक्वल है, ठीक है। और हमारा सवाल में भी दिया गया है कि nवां पद इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि AP1 का A1, यहाँ पे लिखेंगे AP1 का AN ऑफ AP1 इक्वल टू AN ऑफ AP2, ये इक्वल होगा। अब AP1 का AN, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी है या फ्रॉम इक्वेशन, एंड 2 से हम लोग दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो AN कितना है AP1 का, 2N प्लस 61, एंड AP2 का जो AN है वो है 7N माइनस 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 2N, इस 7N को हम लोग LHS की तरफ लाएंगे तो माइनस 7N होगा, और ये माइनस 4 RHS की तरफ जो है, और इस 61 को RHS की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 61 होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और साइन होगा बड़ा वाला, तो माइनस 5N इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा बड़ा वाला 65, तो ये माइनस है, ये माइनस कट गया, और n इक्वल टू हम लोग को क्या मिला 65 बाई 5 इक्वल टू 13, मतलब n इक्वल टू 13। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों AP का 13वां पद, मतलब 13वां टर्म है, सो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इस प्रकार है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17th टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब बोला गया है कि हमको AP ज्ञात करना, एक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज ज्ञात करना है जिसका थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि 7वां टर्म है सो 5वां टर्म से 12 ज़्यादा होगा, तो इसका एक हम लोग को सीरीज लिखना है, ठीक है। क्लू में हमें बस इतना दिया गया है कि थर्ड टर्म गिवन क्या है, थर्ड टर्म, रुके मैं इसको रफ करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। इसमें सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आज का वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं अथवा अनलाइक कीजिए, लेकिन कुछ तो रिप्लाई कीजिए, लाइक भी कीजिए और नहीं पसंद आता है तो अनलाइक किया कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 16, और 16 में क्या गिवन है,
सबसे पहले लिखेंगे गिवेन, और गिवेन में हमारा दिया गया है कि एपी का जो थर्ड टर्म है A3 है वो 16 है, और बोला गया है कि इसी एपी का सातवां टर्म है सो पाँचवा टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब A7 है सो A5 से 12 ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि एपी क्या होगा, मतलब एपी को लिखना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब समझिए आप कि किसी भी एपी को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में मैं बताया था कि एपी तभी लिखा जा सकता जब हमारे पास ये दो चीज़ होंगे, एक तो फर्स्ट टर्म और एक तो कॉमन डिफरेंस है। ये दो चीज़ होंगे तभी हम एपी लिख सकते हैं। लेकिन सवाल में कहीं भी ना तो A1 दिया गया है ना तो D दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि A1 और D कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पता है कि एक फॉर्मूला हमें पता है, वी नो डैट जानते हैं कि AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D है। इसी फॉर्मूला पे इस चैप्टर का हर सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर A3 को हम इस फॉर्मेट में लिख दें तो हमें A1 और D तो मिल जाएगा क्योंकि N का वैल्यू पता है। अब A1 और D मिल गया और इस इक्वेशन से भी हमें A1 और D मिलेगा, तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग A1 और D का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1, यहाँ पे N के जगह पे 3 है इसीलिए लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू D। तो A3 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं A1 प्लस 3 माइनस 1 2D, और ये गिवेन है कितना 16। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा, ये सॉल्यूशन है, यहाँ से ये सॉल्यूशन है A1 प्लस 2D 16 है, और यहाँ पर हम लोग A1 का वैल्यू निकाल सकते हैं 16 माइनस 2D। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है A7 है सो A5 से 12 ज़्यादा है। तो A7 को हम इसी फॉर्मूला के मदद से विस्तार रूप में लिखते हैं, तो A7 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N के जगह पे 7 है तो 7 माइनस 1 इंटू D। ऐसे ही A5 को हम लोग लिखेंगे A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D और इक्वल टू में 12। इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा A1 प्लस 7 में से 1 या 6D माइनस प्लस माइनस माइनस A1 और प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 या 4D इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देखिए A1 और A1 दोनों कट गया और हमारे पास आया 6D इक्वल माइनस 4D इक्वल टू 12, और जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2D इक्वल टू 12 होगा, जहाँ पे D इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6, मतलब D का वैल्यू है सो 6 आएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं D इक्वल टू क्या आया, 6 आया। ठीक है, समझे आप लोग D कैसे हमने कैलकुलेट किया। अब जब हमें D मिल गया है तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग A1 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि इस प्रकार है A1 इक्वल टू 16 माइनस 2D, और 16 माइनस D का वैल्यू है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6 टू या 12 और ये 4, मतलब A1 कितना आया, 4 आया। तो आइए अब हम लोग AP लिखते हैं। तो AP का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, हमने कैलकुलेट किया 4। सेकेंड टर्म क्या होगा, देखिए सेकेंड टर्म होगा 4 प्लस 6, क्योंकि D ऐड करते चलेंगे तो ये आया 10। वैसे ही थर्ड टर्म क्या होगा, 10 प्लस 6 मतलब 16। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस AP इक्वल टू 4 10 16 ... ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो
ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 हमारा है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3813253। मतलब एक एपी दिया गया है जिसका सीरीज है 3, 8, 13 .. एनवा है 253। ठीक है, तो बोला गया कि इसका पीछे से मतलब लास्ट टर्म की तरफ से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है जो एक एपी दिया गया है। एपी का फर्स्ट सीरीज है 3, सेकेंड है 8, थर्ड है 13 और ये .. 153 तक गया है। ठीक है, तो बोला गया है कि इसमें फाइंड करना है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से मतलब 153 से इधर पीछे जाते जाते यहाँ पे हमें 20 टर्म ज्ञात करना है इस साइड से। ठीक है, मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। और मैंने बताया है कि कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम लिखते हैं तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए इस सीरीज में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a1 = 3, और अगर d की बात करें तो d है a2 - a1 जो कि 8 - 3 = 5 हो जाएगा। ठीक है, d कितना आया, 5 आया। अब देखिए, अब इस सीरीज को हम लोग रिवर्स लिखते हैं। रिवर्स कैसे लिखेंगे, राइट दिस सीरीज, राइट दिस एपी इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में जब लिखते हैं तो हमारा ए वन हो जाएगा 153, ये वन नहीं ये 253 है, इसे 253 कर लीजिए। ठीक है, A1 है हमारा 253 एंड इसमें जब सेकेंड टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा 253 माइनस डी, इसमें डी ऐड नहीं करेंगे। जब हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तब डी को ऐड करते हैं, लेकिन अभी हम लोग लास्ट की तरफ से आ रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, इसीलिए डी को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 253 माइनस 5 मतलब 248। ऐसे ही अगर हम A3 लिखेंगे तो ये होगा 248 माइनस 5 इक्वल टू 243। ठीक है, तो जो रिवर्स ऑर्डर में AP होगा वो हमारा होगा 253 सेकेंड टर्म होगा 248, थर्ड टर्म होगा 243 .. इसी में हमको A20 टर्म निकालना है। ठीक है, तो A20 टर्म हमको इस सीरीज का निकालना है ना कि इस सीरीज का। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, A20 हमको इस AP का निकालना है ना कि इस AP का। और जब इस AP का हमको A20 निकालना है तो इसका A1 और D हमें कैलकुलेट करना होगा। तो A1 तो हमारा दिया हुआ है, अभी हमने लिखा A1 यहाँ 253 है, इसका D कैलकुलेट कीजिए। जब D कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा A2 - A1, A2 कितना है सर, 248 है, 248 माइनस 253, तो D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा माइनस 5। ठीक है, अब हम लोग इस रिवर्स ऑर्डर सीरीज का 20 टर्म निकालेंगे। इसके लिए हम लोग पास फॉर्मूला है, वी नो डैट an = a1 + n - 1 × d, और an हम लोग को कितना है, a20 है, a20 कैलकुलेट करना ना, तो a20 है। अब देखो यहाँ पे a1 = क्या है, 253, तो यहाँ पे हमने 253 लिखा, n के जगह पे 20 है, 20 - 1
और डी अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस फाइव, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो आप लोग, ये देखिए 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू माइनस 5 820 है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 820 इक्वल टू क्या आएगा, 253 माइनस 95, और जब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 13 में से 5 गया 8 बचा, और 14 में से 9 गया 5 बचा, और यहाँ से दोस्त एक आया तो कैरी एक, तो यहाँ पे आ गया 820 इक्वल टू 158। मतलब इस सीरीज को जब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो रिवर्स की तरफ से लास्ट टर्म की तरफ से हमारा जो 20वां टर्म होगा वो 150 होगा, 150 नहीं 158 होगा, यहाँ पे 158 होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग सुनिए ध्यान से। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44, देन फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द ए पी। मतलब कहा गया है कि यहाँ पे कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है, जो सीरीज नहीं दिया गया है, ठीक है। हमें बस इतना क्लू दिया गया है इसमें कि इस सीरीज का चौथा टर्म और आठवां टर्म को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू 24 प्राप्त होता है, तथा इस सीरीज के छठा तथा दसवां टर्म को जोड़ते हैं तो वो 44 के इक्वल होता है, और हमें यहाँ पे इस सीरीज का पहला तीन टर्म लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मज़ेदार है, बड़ा है, कैलकुलेटिव है और इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 को आप समझिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवेन डैट। गिवेन डैट में क्या दिया गया है, गिवेन सबसे पहले दिया गया कि इस एपी का चौथा टर्म और अगर आठवां टर्म को जोड़ा जाए तो हमें 12 प्राप्त होता है, 12 में 24 प्राप्त होता है, हाँ 24 प्राप्त होता है, ठीक है। और बोला गया कि इसी सीरीज के अगर सिक्स टर्म को तथा टेन टर्म को जोड़ा जाए तो हमें 44 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्लियर है सबको। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग ए फोर एंड ए एट निकाल सकते हैं, तो यस सर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए फोर प्लस ए एट इक्वल टू 24, और यहाँ पे ए फोर कितना होगा, ए फोर होगा ए वन प्लस एन के जगह पे 4 है इसीलिए 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए एट, मतलब ए वन प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए वन प्लस 3D प्लस ए वन प्लस 8 माइनस 1 7D इक्वल टू 24। यहाँ पे ए वन 2D और 3D नहीं 2A1 प्लस 3D और 7D को ऐड करते हैं तो 3D एंड 7D कितना हो जाएगा 10D, 10D इक्वल टू 24। यहाँ पर देखिए A1 में 2 है और D में 10 है, तो यहाँ पे 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे A1 प्लस 5D इक्वल टू 24। तो A1 यहाँ पे क्या होगा, 2 जब इधर RHS की तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा, और यहाँ मतलब हो जाएगा 24/2, और जब 24/2 होगा तो उसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 5D इक्वल टू 12, और यहाँ A1 इक्वल टू 12 माइनस 5D हो जाएगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब चलिए हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सिक्स प्लस ए टेन इक्वल टू 44, ठीक है। अब ए सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए सिक्स को लिख सकते हैं ए वन प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस ए वन प्लस टेन माइनस वन इंटू डी और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 44। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा ए वन प्लस सिक्स माइनस वन 5d प्लस ए वन प्लस टेन माइनस वन 9d और ये हो जाएगा 44, इक्वल है ये। अब ए वन और ए वन हो जाएगा 2a1 प्लस 9 और 5 14d इक्वल टू 44। यहाँ पर देखिए 2 दोनों में है तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा ए वन प्लस 7d इक्वल टू 44। देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और हमें मिलेगा ए वन प्लस 7d इक्वल टू 44 बाई 2 इक्वल टू 22, ठीक है। अब यहाँ पर ए वन का वैल्यू हम लोग इक्वेशन वन में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस इक्वेशन वन से हम लोग ए वन का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए वन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 5d और इसमें प्लस 7d इक्वल टू 22। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1 तो यहाँ हम लोग एज्यूम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए ये होगा 12, ये प्लस 7d माइनस 5d मतलब प्लस 2d और ये हो जाएगा 22, ये हो गया 12 प्लस 22d, तो ये 2d को हम लोग LHS की तरफ रखते हैं और 12 को RHS की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 12 और ये d इक्वल टू हमें मिलेगा 10/2 जो कि इक्वल टू होगा 5 का, मतलब d इक्वल टू हमें क्या मिला 5 मिला, ठीक है। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया d इक्वल टू 5, लेकिन हमें यह पता है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को लिखने के लिए हमारे पास दो चीज़ होना आवश्यक है, एक तो d जो कि हमने कैलकुलेट किया 5 और एक a1। तो a1 अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इस a1 वाले इक्वेशन में अगर हम लोग d का वैल्यू पुट कर दें तो a1 मिल जाएगा, तो हाँ सर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि इस प्रकार है a1 इक्वल टू 12 माइनस 5d और d का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट कर चुके हैं 5 इंटू 5, d इक्वल टू 5 था, अब ये हो जाएगा 12 माइनस 25 यानी कि 25 माइनस 12 कितना, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से गया -13, ठीक है। अब AP का तीनों टर्म लिखिए, तो हम लोग टर्म लिखते हैं AP का फर्स्ट टर्म लिखिए A1 कितना है -13, A2 कितना है, तो A2 होगा क्या, A1 में हम लोग D को ऐड करेंगे तो A1 में यहाँ पे 13 है और प्लस में D कितना है 5, तो ये हो जाएगा -8 एंड A3 हो जाएगा -8 प्लस 5 यानी कि -3। तो यहाँ पे AP का तीनों टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि इस प्रकार है -13 -8 -3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। मतलब बोला गया है कि सुबा राव नाम की कोई लड़की है जो कि 1995 में अपना जॉब स्टार्ट करती है और उसका सैलरी 1995 के समय ₹5,000 था। हर साल उसका सैलरी ₹200 बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका सैलरी ₹7,000 हो जाता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि 1995 के कितने साल बाद उसका सैलरी 7,000 होगा, ठीक है। तो इस सवाल में देखिए
5000 फर्स्ट टर्म दिया गया, 5000 फर्स्ट टर्म में एपी का, और 200 रुपया पर साल इंक्रीज कर रहा, मतलब कि कॉमन डिफरेंसेस हो गया 200। ये चीज़ आप अब सोच सकते हैं, ठीक है। अब ए एन दिया गया 7000, मतलब कि बोला गया कि इतने साल बाद 7000 उसका सैलरी होगा, मतलब ए एन दिया गया 7000। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि एन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डैट इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होगा हमारा कितना, 5000 रुपीज़ और कॉमन डिफरेंस जो पर ईयर बढ़ रहा है वो कॉमन डिफरेंसेज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेज डी इक्वल टू ₹200, और ए एन जो दिया हुआ है एनुआ, मतलब कि इतने साल बाद उसका कितना सैलरी हो जाता है 7000। तो हमें क्या कैलकुलेट करना, एन इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन नंबर 19 को पूरा पढ़ने के बाद ये चार पॉइंट इम्पॉर्टेंट था जो कि मैं लिख दिया, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम को मैं मैथमेटिक्स टर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हमें सिंपल पता चल रहा है कि हमें एन कैलकुलेट करना है, और हमारे लिए यह सवाल आसान हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन कितना दिया हुआ है सर, 7000, और ए वन कितना है सर, 5000, प्लस में एन मिशिंग है, एन ही तो हमको फाइंड करना, तो एन माइनस वन, और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 200 रुपीज़, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 7000 इक्वल टू 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। ये देखिए ये 200 एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ये 7000 इक्वल टू 5000 माइनस 200, मतलब हो जाएगा 4800, और प्लस में हो जाएगा 200 एन। अब ये 4800 को हम लोग LHS की तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 7000 माइनस 4800 इक्वल टू 200 एन। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 200 एन इक्वल टू 7000 में 4800 को। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 10 में से 8 गया 2, और इधर 6 में से 4 गया 2, मतलब टोटल आएगा 22000, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू लिख सकते हैं 22000 बाय 200। ये 20 से ये 20 कट गया, और 2 से 22 11 टाइम में कटा, ठीक है। तो हम लोग को n इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 11। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1995 के 11 साल बाद उसका सैलरी 7000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन 11th ईयर सुभाष राव गेट 7000, क्लियर है। तो ये 19 नंबर आपको समझ में आया होगा। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम का सवाल था, और वर्ड प्रॉब्लम में ये सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग समझे और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लिख लिए, तो देखिए कि सॉल्यूशन हमारा कितना छोटा हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैथ में सबसे पहले सवाल को समझना इम्पॉर्टेंट होता है। अब चलिए हम लोग लास्ट सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 देन फाइंड n इक्वल टू व्हाट। मतलब यहाँ पे बोला गया कि रामकली नाम की एक लड़की है जो कि किसी साल के पहले वीक में ₹5 सेव की, और ये हर वीक में ₹1.75 ज़्यादा बचाती है। मतलब फर्स्ट वीक में 5 है तो दूसरे वीक में
6.75 रुपीस सेव करेगी, उससे आगे 1.75 बढ़ाते चली जाएगी। तो ऐसे ही ये एनवा वीक में हम लोग देखते हैं कि उसका टोटल सेविंग जो है वो 20.75 रुपीस हो जाता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने वीक में वो उतना सेव कर पाए, ठीक है। तो इस सवाल में भी देखिए आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है ये सवाल, और इसका फर्स्ट टर्म 5 है और देखिए 1.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि डी दिया है 1.75 और एनथ मतलब कि एन वीक के बाद उसका जो सेविंग है वो 20.75 है, मतलब कि ए एन दे दिया गया 20.75। तो कैलकुलेट क्या करना है एन, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं और क्लास को आज ख़त्म करते हैं। आज का क्लास लंबा हो गया क्योंकि सवाल भी बहुत थे, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसके मैं वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स टर्म में ही लिख रहा हूँ। देखिए गिवेन डैट क्या दे दिया गया, फर्स्ट टर्म ए वन कितना दिया गया, तो सर 5 रुपया, ठीक है। और डी कितना दिया गया, तो सर रुपीज 1.75 दिया गया। उसके बाद ए एन कितना दिया गया, ए एन आपका दिया गया है रुपीज 20.75। तो हम लोग को क्या फाइंड करना, एन इक्वल टू व्हाट। ये देखिए इसी पैटर्न पे लास्ट वाला सवाल था 19 नंबर, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं इसे फटाफट सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, वी नो डैट ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन हमारा दिया हुआ है 20.75 इक्वल टू ए वन 5 रुपीज प्लस एन मिसिंग है एन माइनस वन और डी हमें गिवेन है 1.75, ठीक है। ये 20.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75n माइनस 1.75, ये 1.75 को n और 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसे हम सॉल्व करते तो देखिए 20.75 इक्वल टू देखिए 5 में से 1.75 5 में से एक निकालिए तो 4 आया और उसमें से 75 मतलब ये आएगा 3.25 प्लस 1.75 एन। ये आप ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए 5.00 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 1.75, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 और इधर 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 3.25 लिख लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये है 20.75, ये 3.25 को हम लोग LHS की तरफ ले जाते हैं, तो ये 20.75 माइनस 3.25 इक्वल टू में हमारा आएगा 1.75 एन, क्लियर है। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 20 में से 3 गया 17, मतलब ये आया 17.50 और ये 1.75 एन। तो यहाँ पे एन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 17.50 बाई 1.75। ये देखिए डेसिमल का डिवाइड आ गया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे देखिए इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे और ऊपर में दो वन पे दो जीरो लगाएंगे, ठीक है। ये आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता किसी भी डेसिमल को चेंज करने फ्रैक्शन में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। और इस पॉइंट को जब हटाऊंगा तो यहाँ पे भी आएगा 100, तो ये 100 कट गया और ये आया हमारे पास n इक्वल टू 1750 बाई 175, मतलब ये 10 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रामकली 10वां सप्ताह के बाद 20.75 रुपया सेव की। मेरे प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन था और इस सॉल्यूशन के साथ ही आज एक्सरसाइज 5.2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 5.2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। देखिए, लाइक और डिसलाइक से हमें ये पता चलता है कि हम आपके दिल के कितने करीब हैं तथा हमारे द्वारा पढ़ाए गए तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और बेहतर करने का कोशिश करूँगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे कभी भी अगर हम लोग कोई वीडियो डालते हैं तो आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि आगे हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए जिनको वाकई में इस वीडियो का ज़रूरत है, इसीलिए वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करते चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक तथ्य को डिस्कस करेंगे तथा एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन को अच्छे से करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग।